नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल व अन्य उपकरण का वितरण कर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जिले के सभी हाई स्कूल इंटर कॉलेज में पॉलिटेक्निक चलो अभियान चलाने का दिया जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने निर्देश। चिल्वाताल थाना क्षेत्र के मानीराम में ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। छुट्टा व जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किसानों ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में दिया धरना, अलग मंत्रालय बनाने का किया मांग। एंटी रोमियो अभियान में दर्जन भर युवकों को महिला पुलिस ने सिखाया सबक। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट ने दिया धरना। 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभु नाथ ने ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कराने का दिया निर्देश। शासन ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को तत्काल बकाया लोन की वसूली का दिया दिशा निर्देश। शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 2 अभियुक्तों को पुलिस ने दबोचा, 1 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस किया बरामद। रेलवे ने शुरू किया उचित मूल्य से अधिक पैसा लेने वेंडरों के विरुद्ध व्यापक धर पकड़ जांच अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया स्वयं सिद्ध 2018 के तहत कई प्रतियोगिता का आयोजन। पूर्वोत्तर रेलवे के फ्री बीइंग में कार्यक्रम एवं स्काउट दीक्षा संस्कार का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। और गोरखपुर में पहली बार हुआ गोयल गोत्री अग्रवंशियों की कुल देवी श्री खेमी शक्ति दादी जी का मंगल पाठ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को 12:20 पर गोरखपुर आएंगे। विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री 12:30 से 1:30 तक दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिलिंग व अन्य उपकरणों का वितरण एवं जनसभा को संबोधित करने के बाद 1:45 पर लखनऊ चले जाएंगे। जिले के सभी हाई स्कूल इंटर कॉलेज में पॉलिटेक्निक चलो अभियान संचालित करने के लिए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने CDO, ADM, SDM, BDO एवं DIOS को निर्देश दिया है कि राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य एवं स्टाफ भी समिति बनाकर जनपद में समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त हाई स्कूल इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के अवसर की जानकारी दें। ये अभियान 25 फरवरी तक संचालित होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप एंड स्टैंड अप योजनाओं की सफलता का स्रोत प्राविधिक शिक्षित युवा हैं। प्रदेश में 139 राजकीय, 19 अनुदानित एवं 350 निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक में संचालित 60 पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिसमें प्रवेश हेतु 22 अप्रैल 2018 को 2 पाली में परीक्षा होगी। चिल्वाताल थाना क्षेत्र के मानीराम में बुधवार की रात चोरों ने छत के रास्ते दरवाजा तोड़कर ज्वेलरी की दुकान से लाखों रुपयों के नकदी और जेवरात के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने एक अलमारी को गैस कटर से भी काटा है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और फिंगरप्रिंट्स टीम भी पहुंच गई और घटना की तफ्तीश में जुट गई। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के सुभाष नगर हमायूपुर निवासी कृष्ण बिहारी वर्मा की चिल्वाताल थाना क्षेत्र के मानीराम में फुन्नी लाल कृष्ण बिहारी ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी की दुकान है। बुधवार को वो अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। गुरुवार को सुबह 10 बजे उनका कर्मचारी रमा दुकान का शटर उठाया तो देखा अंदर से सामान बिखरा पड़ा है। उसने तुरंत घटना की जानकारी मालिक को दी। सूचना पाकर वो दुकान पर पहुंच गए और इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची चिल्वाताल पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। दुकान मालिक के अनुसार नकदी एवं जेवरात समेत लाखों के सामानों को चोर उठा ले गए हैं। Thank you.
अरुण पांडे राशि सारा इनको मैंने बताया है फिंड में क्या स्क्वाड वाला फोन नंबर से बता दीजिए बाहर होता है नहीं मैं चीज को छुआ नहीं है अंदर गए जाएंगे ना इसीलिए किसानों की फसलों को छुट्टा पशुओं एवं नील गायों से बचाने की मांग को लेकर गुरुवार को पूर्व विधायक व किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष देव नारायण सिंह उर्फ जीएम सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कमिश्नर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि छुट्टा पशुओं के कारण हम लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, इसके बचाव का उपाय सरकार को करना चाहिए जिससे हम लोगों की फसलें सुरक्षित रह सकें। इस दौरान पूर्व विधायक जीएम सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम से संबंधित मांग पत्र अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व विधायक जीएम सिंह ने कहा कि छुट्टा एवं जंगली जानवरों से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, इसके लिए सरकार एक अलग मंत्रालय बनाकर विशेष रूप से इन जानवरों पर निगरानी करे तथा ब्लॉक स्तर पर गौशाला बनवाया जाए जिसमें चारा पानी दवा और कर्मचारी की व्यवस्था हो। जीएम सिंह ने कहा कि अगर गेहूँ चरनेगा तो फिर गेहूँ खरीद लेंगे, लेकिन किसी पशु को अगर मैं मार दिया तो मैं उसको भी आपको सोचने और विचारने की जरूरत है। जीएम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीएम सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीएम सिंह थोड़ा आगे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीएम सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जीएम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीएम सिंह जिंदाबाद। किसान विरोधी मुर्दाबाद, जिंदाबाद। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के किसान इस समय खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी फसलें चरी जा रही हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। हम लोग इस धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अपना पीड़ा व्यक्त करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस गंभीर समस्या को समझें और इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक डिपार्टमेंट गठित करें और जो है जो छोटा पशु हैं उनके लिए उनके सुरक्षा केंद्र का स्थापना किया जाए हर ब्लॉक वाइज और उनके लिए बजट का व्यवस्था किया जाए, कर्मचारी नियुक्त किया जाए ताकि किसान भी सुरक्षित रहें, गाय भी सुरक्षित रहें, बछड़े भी सुरक्षित रहें, छोटा पशु भी सुरक्षित रहें। इस पर तो हम कुछ काम करवाए थे वहाँ, बट अब इसमें थोड़ा लोगों ने सहयोग की, इसमें अलग पॉलिसी चल भी रही है और आदेश भी आ गया है, तो जो इच्छुक हो उसमें बस यही है कि जो पशु मारे जाएंगे तो उनको दबाया जाएगा, मतलब ये नहीं होगा कि उसको मार के और उसका खाल निकालें या कोई बनाए जैसे वन वाले हैं, वाइल्ड लाइफ वाले हैं, उनकी बात स्पेशल भैया मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सुनते हैं। अगर जरूर सोचेंगे कि बात समस्या को बताएगा तो सोचेंगे कि समस्या को बताया गया है कि गौशाला खोल करके आपको विशेष पशु संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र टाइप से हाँ इस टाइप चल रहा है। ये सब मिल गया बहुत ज़्यादा तो जानवर है तो सबसे ज़्यादा बाहर भैया भेज देंगे अपने मुख्यमंत्री जी को द्वारा भेजने के लिए जयपुर मार्ग है। मन बड़ों और शौधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुरुवार को महिला पुलिस द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान DVNGPG कॉलेज के पास चलाया गया जिसमें करीब 11 लड़कों को पकड़कर महिला थाने ले जाया गया जहां उनके अभिभावक को बुलाकर माफीनामा
भराकर छोड़ दिया गया और कुछ लड़कों को मौके पर ही समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला थाना के प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर शालिनी सिंह ने बताया कि एंटी रोमियो अभियान के अंतर्गत चेकिंग की जा रही है, जिससे छेड़खानी जैसी घटना पर लगाम लग सके। उन्होंने कहा, टिकट कौन कौन पिया अभी इतने दिनों में? कौन कौन टिकट पिया था वहाँ? कौन कौन पिया था? टिकट कौन कौन पिया? आप कहीं मत जाइएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट के सदस्यों ने गुरुवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन संघ के जिला अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर संघ के जिला मंत्री राजेश चंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी रविन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, शिक्षकों के विनियमितीकरण करने सहित अन्य मांग कर रहे थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार सिंह ने बताया। गोरखपुर चेत नारायण गुट के शिक्षकों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शिक्षकों की तमाम समस्याएं हैं, जिसे लेकर के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय असंवेदनशील रहते हैं, उस पर कभी जागरूकता नहीं दिखाते हैं और वह समस्याएं जस की तस रहती है। शिक्षकों को अनवरत शिक्षा कार्यालय का दौरा लगाना पड़ता है, जिसके कारण विद्यालय के पठन पाठन में भी बाधा आती है और हम लोग बराबर जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से मिलकर के इन समस्याओं को अवगत कराते रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से इन समस्याओं पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। समस्याएं जस की तस पड़ी रहती हैं, उसको लेकर के हम सभी लोगों ने 25/1/2018 को जिला विद्यालय निरीक्षक को एक मांग पत्र सौंपा था, जिसमें जनपद के शिक्षकों की समस्याओं का एक ज्ञापन था, जिसे लेकर के हम सभी लोगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मुलाकात भी की और उन समस्याओं को निस्तार शीघ्र करने के लिए उनसे समय भी लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है, मैं बोर्ड कार्यों में व्यस्त हूँ, तमाम बहाना कर लिया और कहा कि आप लोग ठीक है, अपना धरना लगाइए, हम जैसा धरना होगा उसको देख लेंगे। तो मुझे बाध्य होकर के जनपद के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के आज धरना लगाना पड़ा है। अगर जनपदीय अधिकारियों द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम सभी लोग अनवरत इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे और उन्हें बाध्य करेंगे कि जनपद के शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करें, अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा। सामने बोर्ड की परीक्षाएं हैं, वो भी बाधित हो सकती हैं, इसलिए मेरा निवेदन है शिक्षा अधिकारियों से, बच्चों के हित में हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं जिसे पठन पाठन बाधित हो या परीक्षाएं बाधित हो, लेकिन अगर इनके तरह द्वारा इस प्रकार की उदासीनता बरती जाती है तो हमें कोई कड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पूरे भारत में उच्चतम न्यायालय से लगाए तहसील स्तर तक आगामी 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि इस हेतु पूर्व की भांति वादों का चिन्हांकन कार्यवाही करते हुए चिन्हित वादों के पक्षकारों को समय से सूचना भेजें और लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित कराएँ। दिनांक 10/2/2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो पत्र आए हैं उसके क्रम में इसका विस्तृत प्रचार प्रसार के लिए जो सबको कहा गया है, समस्त तहसीलदार, समस्त एसडीएम, जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी जो है इसमें जो है अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करने के लिए, साथ ही साथ राजस्व विभाग के जो वाद हैं उनको भी चिन्हांकन किया गया है। समाज कल्याण, RTO, सभी विभागों को जो है कहा गया है कि अधिक से अधिक जो है प्रकरणों का इसमें निस्तारण करें। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड गोरखपुर से अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व बेरोजगार लाभार्थियों को 1990-91 से लेकर 2005 तक विभिन्न व्यवसाय हेतु टर्म लोन मार्जिन मनी उपलब्ध कराए गए थे। उन लोगों द्वारा आवंटित धनराशि की वापसी मामला किश्तों में 60 महीनों के भीतर निगम को ली जानी थी। नियत समय पर किश्तों के माध्यम से धनराशि वापस करने से मात्र ब्याज का भार लाभार्थियों पर पड़ता है, परंतु 60 मासिक किश्तों से
ऋण वापसी न करने के कारण लाभार्थियों पर ब्याज के साथ साथ दंड ब्याज भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में 1990-91 में लिया गया कर्ज न चुकाने के कारण आज बढ़कर कई गुना हो गया है, जिस पर प्रति माह ब्याज के साथ साथ दंड ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। यह जानकारी पदेन जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड ने देते हुए बताया कि इसी क्रम में शासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे शीघ्र से शीघ्र बकाया लोन की वसूली कर निगम को जमा कराएं। शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत खोरावार पुलिस ने गुरुवार को दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उद्देश्य दुबे उर्फ दीपक दुबे निवासी नहर रोड रुस्तमपुर थाना कैंट के पास से 132 बोर का एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। वहीं विवेक कुमार मिश्र पुत्र विजय शंकर मिश्रा निवासी भरवलिया बुजुर्ग थाना खोराबार के पास से 315 बोर का दो कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ धारा 3/25 के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया है। स्टेशनों पर अनाधिकृत वेंडरों तथा पे एंड यूज शौचालय एवं रेल नीर पानी की बिक्री पर उचित मूल्य से अधिक पैसा लेने वेंडरों के विरुद्ध व्यापक धरपकड़ जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों में चलाए गए जांच अभियान के फलस्वरूप अनेक वेंडरों को ओवर चार्जिंग के मामले में दोषी पाया गया। दोषी पाए गए सभी वेंडरों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। स्वयं सिद्ध 2018 के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री कमलनाथ ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया कि स्वयं सिद्ध 2018 के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें गोरखपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को एक संदेश के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसमें नाट्य मंचन प्रतियोगिता में 10 टीमों में आए प्रतिभागियों ने सेना देश सेवा सामाजिक कुरीतियों समेत विभिन्न विषय वस्तु पर अनेक नाटक का मंचन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इटवा विधानसभा के विधायक डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी तथा मुख्य वक्ता प्रोफेसर के एन सिंह विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा देखिए क्या बना।
परिषद का प्रांत संगठन मंत्री हूँ। स्वयं से 2018 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर इकाई द्वारा आयोजित एक रचनात्मक कार्यक्रम है, जिसमें 16 प्रकार की प्रतियोगी कंपटीशन हो रहे हैं। इसमें अलग अलग विधाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनको मंच देकर उनके अंदर अंतर्निहित जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, उसको निखारने का, उसको संवारने का, बढ़ाने का एक प्रयास है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। ये स्वयं सिद्ध 2018 29 जनवरी 2018 से प्रारंभ होकर और 5 फरवरी 2018 तक चलने वाली है। इन सारी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त ऐसे सारे प्रतिभागियों को 11 तारीख को इसी दीक्षा भवन में सम्मानित किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ रेलवे स्कूल से संबद्ध एनी रेलवे बालक इंटर कॉलेज गोरखपुर द्वारा 1 फरवरी को विद्यालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के साथ फ्री बीइंग बी कार्यक्रम एवं स्काउट्स दीक्षा संस्कार समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विद्यालय के लगभग 700 स्काउट्स उपस्थित थे। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के मुख्य राज आयुक्त एन के अंबिकेश, मुख्य संरक्षक अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे उपस्थित थे। मुख्य राज आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि स्काउट जब दीक्षा लेता है तो उसमें उसी समय देश एवं समाज की सेवा भावना का बीजारोपण हो जाता है एवं वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुदृढ़ नागरिक के रूप में प्रस्तुत होता है। समारोह में मुख्य जिला आयुक्त RBP सिंह, राज्य संगठन आयुक्त स्काउट रंजीत कुमार शर्मा, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त अनुज रंजन, अशोक कुमार श्रीवास्तव रमानंदन, श्रीमती अल्पना गुप्ता, मणिकांत पांडे, रमाश्रय प्रसाद, प्यारे लाल सत्येंद्र सिंह, VP यादव एवं समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहे। गोयल गोत्री अंग्रवंशियों की कुल देवी श्री खेमी शक्ति दादी जी का गोरखपुर में पहली बार मंगल पाठ का आयोजन किया गया। श्री खेमी शक्ति दादी सेवा समिति के सचिव प्रमोद चौखानी ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया कि श्री खेमी शक्ति दादी का मुख्य मंदिर राजस्थान के जिला झुंझुनू नगर के मध्य मुख मार्ग पर स्थित है और आज गोरखपुर महानगर में पहली बार दादी जी का मंगल पाठ आयोजित हुआ है, जिसमें आज बहुत से दादी पुत्रों ने समिति की सदस्यता ली। समिति के सचिव प्रमोद चौखानी ने कहा, मैं कह रहे तो अगर लाइन से सब लोग खड़ा होता ना सब बढ़िया से लगता, सुंदर लगता, सुंदर लगता।
नाम से हम फेमस है, पर मुझे भी याद है कि किसका मंगल मैं करने जा रहा हूँ। तो आप मंगलाचरण सुनिए देव विचार सार परमात्मा प्रमा सही संस्थिता वंदे ब्रह्मांड शंकर प्रभृति देव सदानंदिता श्याम पांडु सरस्वती भगवती विशेष नारायणी नमोस्तुते महाकारुण्य रूपे न्यारे भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो मेरी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उन माता रूपी देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। महासती जिनमाती की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं, उसकी सती माँ मोनी माँ की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं। तू है वाली माँ जय तेरी सती मैया, तू है वाली माँ जय तेरी सती मैया। होगा मुझे सुनने का, वैसे मुझे भी उत्साह था आपको ये देवी चरित्र मानस सुनाने का। साहब कई दिनों से इंतजार था कि सुधीर बाबू के घर में ये मंगल गाथा का कहता हूं, पर एक एक से विघ्न आए जा रहे थे, पर माने आज हमें ये सौभाग्य का दिन दे ही दिया था, इसलिए मिलकर के एक बार बोलना के भक्त हैं। महाराजा अग्रसेन ने 16 गोत्रों में हम लोगों को किया है, एक गोयल गोत्र है, हम लोग गोयल गोत्र ये हेमी सती दादी गोयल गोत्रों की मूर्ति का आज मंगल पाठ हम लोग कर रहे हैं। संदेश ये धार्मिक कार्यक्रम है, हम लोग महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं। महाराजा अग्रसेन ने 18 गोत्रों का निर्माण किया था, 18 गोत्र का शुरुआत की थी, जिसमें एक हमारा गोयल गोत्र है और गोयल गोत्र की कुल देवी हमारी खेमी सती शक्ति दादी जी हैं। खेमी शक्ति दादी जिनका मुख्य मंदिर झुंझुनू जिले में, राजस्थान प्रांत के झुंझुनू जिले में मुख्य शहर में स्थापित है, जहां प्रत्येक वर्ष कई अवसरों पे बहुत बड़ा मेला लगता है और कुल देवी या कुल देवता का उनकी पूजा पाठ करना, उनका उनकी सेवा सत्कार करना हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ कार्य बताया गया है। इस निमित्त गोरखपुर में प्रथम बार ये खेमी शक्ति दादी सेवा समिति का गठन करके और सभी दादी पुत्रों के द्वारा, दादी भक्तों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। हमारी समिति के अध्यक्ष हमारे गार्जियन श्री अनिल कुमार जी टिब्रेवाल अन्नी बाबू, हमारे संयुक्त सचिव संजय टिब्रेवाल और कोषाध्यक्ष सुधीर टिब्रेवाल, हम लोगों ने एक समिति का गठन करके इस कार्यक्रम को प्रथम बार गोरखपुर में ही हम संपादन कर रहे हैं और इसको हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल व अन्य उपकरण का वितरण कर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जिले के सभी हाई स्कूल इंटर कॉलेज में पॉलिटेक्निक चलो अभियान चलाने का दिया जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने निर्देश। चिलवाताल थाना क्षेत्र के मानी नाम में ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। छुट्टा व जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किसानों ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में दिया धरना, अलग मंत्रालय बनाने का किया मांग। एंटी रोमियो अभियान में दर्जन भर युवकों को महिला पुलिस ने सिखाया सबक। शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट ने दिया धरना।
10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभु नाथ ने ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कराने का दिया निर्देश। शासन ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को तत्काल बकाया लोन की वसूली का दिया दिशा निर्देश। शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 2 अभियुक्तों को पुलिस ने दबोचा, 1 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस किया बरामद। रेलवे ने शुरू किया उचित मूल्य से अधिक पैसा लेने वेंडरों के विरुद्ध व्यापक धरपकड़ जांच अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया स्वयं सिद्ध 2018 के तहत कई प्रतियोगिता का आयोजन। पूर्वोत्तर रेलवे के फ्री बीइंग में कार्यक्रम एवं स्काउट दीक्षा संस्कार का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। और गोरखपुर में पहली बार हुआ गोयल गोत्री अग्रवंशियों की कुल देवी श्री खेमी शक्ति दादी जी का मंगल पाठ। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।